Good morning, how are you? भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। भारत जोड़ो के नारे लगे। राहुल गांधी भी बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान वो एक बार फिर हाफ टी शर्ट पहने नजर आए। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है। कड़ाके की ठंड और कश्मीर में बर्फबारी के बावजूद भी राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान हाफ टी शर्ट में ही नजर आए। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद भारत जोड़ो के नारे भी लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से इस यात्रा को शुरू किया था। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी और जम्मू कश्मीर में सम्पन्न हुई। यात्रा 150 दिनों तक चली और 3,570 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से ज्यादा बैठकों, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यात्रा का फाइनल रोड मैप तो अभी नहीं बना है, लेकिन दूसरा चरण जरूर होगा जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। हालांकि वेणुगोपाल ने कहा कि 2-3 महीने के बाद भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जरूर होगा। इस बार यात्रा पश्चिम से पूरब की ओर जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं कुछ तो फायदा जरूर मिला है। देखना होगा आने वाले दिनों में राजनीति में इसका कितना फर्क देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।